दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। तो हम अभी तो गए ही नहीं, उससे पहले बोल रहा स्कूल का दिन अच्छा रहने के लिए तो पहले स्कूल जाना पड़ता है, है ना। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग हो गई है, सुबह की बज गए हैं 7:30 और आप सनराइज में आपको दिखाती हूँ। ये देखो सनराइज कितना अच्छा, सन में भगवान होते हैं। अच्छा चलो, सो चलते हैं, लवी को स्कूल छोड़ के आते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चलो स्कूल का टाइम हो गया, चलो स्कूल का टाइम हो गया। सो फ्रेंड्स, चल रहे हैं अभी स्कूल, लवी के फटाफट से स्कूल पहुंचा के आते हैं, फिर हम लगते हैं घर के काम में। सो फ्रेंड्स, फाइनली लवी गई है स्कूल, उसको छोड़ के आ गई हूँ। अब लग जाती हूँ अपने घर के रेगुलर कामों पर, क्योंकि लवी के जाने के बाद ही ये सारे काम करती हूँ। मतलब जो भी क्लीनिंग का काम होता है वो उसके जाने के बाद ही हो पाता है। जब से उठती हूँ तब से बस उसी में लगी रहती हूँ, उसका लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, देन उसको रेडी करना, ठीक है, सारा काम मैं करती हूँ। तो सुबह तो उसको ही रेडी करने में लग जाता है। अभी 8 बज गए हैं उसको छोड़ के आते आते, तो अब मैं अपना सारा काम करूँगी, क्लीनिंग का जो भी काम है और जो भी चीज़ें होती है वो मेरी उसके जाने के बाद ही होती है, ठीक है। जब घर पूरा खाली हो जाता है तभी क्लीनिंग करने का मुझे मज़ा आता है, क्योंकि फिर बीच बीच में आना जाना लगा रहता है तो क्लीनिंग ढंग से नहीं हो पाती है। तो बस यहाँ पर मैं आज आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो डाली थी कि मेरी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है, मतलब आप लोग जानते ही हैं जो रेगुलर मुझे देखते हैं, तो मैंने 2 वीडियो अपलोड करी थी। तो उसके बाद मुझे जब मैंने अपने रेगुलर व्लॉग डालना शुरू करे तो कुछ लोगों के मुझे लगातार कमेंट आ रहे हैं कि आप इतना हंसते हुए मुस्कुराते हुए क्यों, अगर आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है तो आप ऐसे कैसे वीडियो बना रहे हो हंसते हुए, आपको तो दुखी रहना चाहिए, आप रोते हुए आपको व्लॉग बनाने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ उन लोगों से कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हंसना छोड़ दें, मुस्कुराना छोड़ दें, ठीक है। हम अपनी प्रॉब्लम के साथ ही जीना सीख लेते हैं, और मैंने भी यही किया है। मैंने कई बार आपको बोला है कि सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी बेटी के लिए हंसना मुस्कुराना हंसती रहती हूँ ताकि वो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो दुखी ना हो मुझे देखकर। लेकिन कुछ लोगों को हमेशा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो चाहते ये हैं कि बस मैं हंसना छोड़ दूँ, बस मैं रोते हुए ही वीडियो बनाऊँ, मैं मतलब क्या करूँ मैं, आप बताइए। प्रॉब्लम अगर मेरी लाइफ में मैंने आपके साथ शेयर करी तो क्या मैंने गलती कर दी आप लोगों को बताकर? मैंने अपना समझ कर आप लोगों को बताया, क्योंकि आप पूछते हैं कि मेरे हस्बैंड क्यों नहीं आते, तो मैंने वही आपको बताया है ताकि आप पूछें नहीं। तो कभी कभी मन बहुत दुखी होता है और मैं बहुत, मुझे गुस्सा भी आता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मैंने आपको बताकर एक गलती कर दी, मुझे बताना नहीं चाहिए था अपनी प्रॉब्लम आपको, इस तरीके से मजाक आप बनाते। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा रहता है मेरा मॉर्निंग का, सुबह का रूटीन, और काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ मैं, अकेले ही सारा काम करती हूँ। और अभी लवी स्कूल गई, सब स्कूल गए, घर पे कोई नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बोर होती हूँ इस टाइम पे मैं, तो इस टाइम पे मैं फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ। तो आज तो मेरे को कोई वीडियो नहीं बनानी है, तो आज थोड़े बहुत और कुछ काम है एडिटिंग वगैरह के, वो मैं कर लूँगी। उसके बाद हम लवी को लेने चलेंगे, लवी के स्कूल का आने का टाइम हो जाएगा तो फिर हम लवी को लेने चलेंगे, ठीक है। तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, ताकि लवी के स्कूल के आने के टाइम से पहले मैं अपने सारे काम फ्री कर लूँ, क्योंकि उसके आने के बाद फिर वो मुझे कुछ करने ही नहीं देती है। उसके आने के बाद फिर उसी में लगे रहना पड़ता है मुझे, उसका होमवर्क कराऊँगी, उसके आगे पीछे घूमते रहो, उसको खाना खिलाते रहो, तो उससे आने से पहले ही मैं अपना जो भी काम है वो सारा ख़त्म कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से निपटा लेते हैं, फिर हम चलते हैं लवी को लेने, बाय। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बनाया है नमकीन चावल, और बताइए किस किस को पसंद है नमकीन चावल। और इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने के लिए इस पर हम डालने वाले हैं प्याज। तो बताइए प्याज के साथ इस तरीके से नमकीन चावल कौन कौन खाता है? और मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा वाले पसंद है, मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। चलिए फटाफट से खाना स्टार्ट करते हैं। सो भाई फटाफट से मैं तो खा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और कमेंट करके बताओ किस किस को पसंद है, क्योंकि मैं तो बनाती रहती हूँ नमकीन चावल और मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्राई राइस। तो बस यहाँ पर मैं खा रही हूँ, और दीदी का, मेरी जो दीदी है बड़ी वाली सिस्टर, उनका आ गया था कॉल, तो बस मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ और उनको मैं बता रही हूँ कि अभी मैं खाना खा रही हूँ, उसके बाद मुझे लवी को लेने जाना है। तो बस फिर उन्होंने कहा ठीक है आप खा लो, फ्री होकर कॉल करना। तो बस यहाँ फटाफट से मैं खा रही हूँ, जितनी स्पीड से खा रही हूँ उतनी स्पीड नहीं है मेरे खाने। आने का टाइम, तो चलिए हम लेने चलते हैं फटाफट से, स्कार्फ लगा लेते हैं, बाहर धूप है, तो चलिए आप भी मेरे साथ। लग गया है स्कार्फ, अब निकलते हैं घर से बाहर फटाफट से, लेट हो जाएंगे वरना लवी इंतजार करेगी मेरा। और आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, ऐसे भी 2 मिनट लेट हूँ मैं पूरा, तो फटाफट से चलते हैं, चलिए आप भी मेरे साथ।
जुपिटर से चलेंगे। जुपिटर मेरी बाहर ही खड़ी है, सुबह इसको छोड़ के आई थी तब से, और अभी वापस लेकर आएंगे। सो जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये रही हमारी जुपिटर, तो चलिए फटाफट बैठो मेरे साथ, आप भी चलो लड़ी को लेने। ये देखो मैं बैठ चुकी हूँ, ये रहा मिरर, ये रही मैं, तो चलिए फटाफट से लेकर आते हैं। तो आ गए हम हमारे घर। आ गई लवी? कैसा लगा स्कूल में? अच्छा लगा, पर वो हृदय है ना, मेरे ड्रेस पे पाँव लगा रहा था। अब उसकी पिटाई करेंगे हम। चलो उतरो, नीचे उतरो। और उसकी यह भी शिकायत आ रही है कि वो गंदा काम करता है। शिकायत आ रही है गंदा काम करता है वो? हाँ, और वो है ना अपनी बुक को कॉपी को पार देता है। सो फ्रेंड्स, आ गई हूँ लवी को लेकर, और इसकी बातें चालू है अभी, सारी डिटेल बताएगी स्कूल में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। क्या बहुत बुरा हुआ था? बहुत बुरा हुआ। अच्छा, गाड़ी लगा दूं मैं अभी? बंद कर दूं गाड़ी को अब? पर थोड़ा इधर लाना। हाँ, पकड़ लो मोबाइल। दरवाजे वरवाजे लगा देती हूँ, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है, लाइट भी ऑन, लाइट बंद कर दो। सो चलते हैं ऊपर रहते हैं। और ये रही लवी, लवी थकी हुई आती है स्कूल से बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है पूरा काम इसी ने किया है, सारा पढ़ाई वढ़ाई करके यही आती है। सो आ गए ऊपर, धूप कितनी तेज है। आ जाओ लवी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, आ जाओ। टॉयलेट आ रहा है, ये देखो स्कूल से सारा घर लेकर आती है। जाओ जाओ पहले करके आओ जल्दी। सो चले भाई अंदर, अब बनाऊंगी मैं लगी के लिए खाना। काफ़ी भूखी है ये बच्ची, पूरी गाड़ी पर बोलती आई, मम्मी मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। तो बस देखती हूँ क्या खाती है, अभी दाल राइस खाती है या ये क्या खाती है। वैसे तो सुबह मैंने बनाए थे चावल, नमकीन चावल, तो अगर ये खाएगी तो ठीक है, वरना कुछ और बनाना पड़ेगा क्योंकि उसको कम ही पसंद है नमकीन चावल। तो देखती हूँ क्या खाती है, चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। आते मस्ती चालू? हाँ। मस्ती चालू? हाँ। अभी तो स्कूल से आए हो आप। चलो ड्रेस चेंज करो अपनी। नहीं, 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 नहीं करनी, ऐसे मस्ती करनी है? हाँ। अरे यार आप तो बहुत मस्ती करते हो। सभी लोग बोलेंगे लवी कितनी ज्यादा मस्ती करती है, गाड़ी चाबी भी मुझे हो जाएगी। सो यहाँ पर लवी के लिए लेकर आई हूँ दाल चावल, दाल चावल इसको पसंद है तो ये फटाफट से दाल चावल खा लेगी, फिर मैं इसको होमवर्क कराऊंगी। तो जब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ, जब तक ये खाना खा रही है, जब तक कपड़े वगैरह सूख चुके हैं, तो बस इनको रख दूंगी मैं। और सुबह से कब ये वाला टाइम हो जाता है, दोपहर का पता ही नहीं चलता। होमवर्क, स्वर लिखो, व्यंजन लिखो, तो लिखो, आपको आता है स्वर व्यंजन? स्वर और व्यंजन आता है आपको? क्या होता है स्वर? स्वर कबूतर, घर से कबूतर स्वर होता है, फिर व्यंजन क्या होता है? व्यंजन अस्यनार व्यंजन होता है। उल्टा बोल रही है, उल्टा। तो फ्रेंड्स, खाना वाना खा लिया है लवी ने, और अब ये करेगी होमवर्क। क्या करोगी लवी बाप? होमवर्क करोगे? पहले मुझको कलर करने दो। नहीं, पहले होमवर्क करेंगे फिर बाद में कलर करेंगे। सो फ्रेंड्स, व्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस व्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको पसंद आया हो तो, अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। राधे राधे, राधे राधे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।